हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस एफिनिटी एजुकेशन की तरफ से। मैं ध्रुव कुमार राय, आपका फिजिक्स टीचर, बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, इस साल का पहला क्लास आपके सामने मैं लेके आ चुका हूँ, जिसका नाम है 11th क्लास का पहला लेक्चर यूनिट 10 मेजरमेंट। तो चलिए बिना देर किए हम लोग इसके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। और प्यारे बच्चों, आपको ये भी बताऊंगा कि इस चैप्टर से कॉम्पिटिटिव में एग्जाम पूछे जाते हैं, तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा, साथ में नोट्स जरूर बनाते रहिएगा। तो नोट्स बनते रहेंगे, क्वेश्चन होते रहेंगे। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हम लोग क्लास, ठीक है। ये देखिए, जैसा आप सभी को पता है, ये जो चैप्टर है यूनिट 10 मेजरमेंट, क्योंकि ये फिजिक्स शुरू हो रहा है तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल क्वांटिटी। आप लोगों को पता होगा फिजिक्स में बहुत सारे लॉज होते हैं बच्चे, तो फिजिक्स के लॉज को एक्सप्लेन करने के लिए जिनकी हेल्प ली जाती है, दे ऑल आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज, और इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट विद द हेल्प ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी अंडरस्टैंड, ठीक है। तो एक नोट बनाइएगा, ऑल द क्वांटिटीज विच आर यूज टू डिस्क्राइब द लॉज ऑफ फिजिक्स आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। आपको ये बताऊं, फिजिक्स की जो क्वांटिटीज हैं वो बाकी क्वांटिटीज से अलग कैसे हैं। आपने सुना होगा कि कोई खुश है आज, या किसी ने कहा कि वो बहुत हंस रहा था या वो बहुत दुखी था, तो ये जो उसकी हंसी है, उसकी खुशी है, उसका दुख है, इन चीजों को आप मेजर नहीं कर सकते हो बच्चे। लेकिन लेकिन जो क्वांटिटीज को आप मेजर कर सकते हो वो सारी फिजिक्स की क्वांटिटीज हैं, और जिनको मेजर नहीं कर सकते हो, यानी दोज क्वांटिटीज विच आर नॉन मेजरेबल, जिनकी मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है, आखिर आप कैसे पता लगाएंगे कि वो कितना खुश था। है कोई पैरामीटर आपके पास? नहीं है ना। लेकिन वो कितनी देर तक हंसता रहा, उसके टाइम पीरियड को मैनेज किया जा सकता है, मेजर किया जा सकता है। तो ये तो हो गया मेजरेबल। तो जितनी भी मेजरेबल क्वांटिटीज हैं उन सबको हम फिजिक्स के अंडर लेके आते हैं, और जो मेजरेबल नहीं है उनको हम फिजिक्स से बाहर रखते हैं। आपको बताता चलूं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो, PQ मीन्स फिजिकल क्वांटिटीज, तो उसके लिए जरूरी है कि एक तो उसका मैग्नीट्यूड बताओ, दूसरा उसका यूनिट जरूर बताओ, क्योंकि यूनिट बताने से आपको यह पता चलता है कि आप किस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरा मैग्नीट्यूड बताने से यह पता चलता है कि उसमें उस फिजिकल क्वांटिटी का कंटेंट कितना है, यानी कि अगर आप शॉप पे गए और आपने 5 किलोग्राम के कुछ चीनी के ऑर्डर दिए, तो चीनी आपको 5 किलोग्राम मिल जाएगी, लेकिन आप वहां जाके अगर ये बोलेंगे कि मुझे 5 लीटर चीनी चाहिए, तो आपको ये पता होगा कि चीनी जो है वो लीटर में नहीं बिकती है, ठीक है। सिमिलरली आपको अगर ऑयल लेना है ना, कोई एडिबल ऑयल है, तो उसको आप लीटर्स में ऑर्डर दे सकते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी में दो चीजें होती हैं बेटे, एक होता है एन और दूसरा होता है यू। यू कैन से अ फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड एज द प्रोडक्ट ऑफ टू थिंग्स, वन इज एन विच इज मैग्नीट्यूड ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, जबकि जो यू है वो उसका यूनिट है, क्लियर है। और एक चीज और याद रखिएगा बेटे, कि जो एन इंटू यू है वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है। आप कह सकते हैं कि एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यू, मीन्स यूनिट अगर बड़ी होगी तो एन छोटा होगा, और अगर यूनिट छोटी होगी तो एन बड़ा होगा। एग्जाम्पल के लिए आप ले लें, अगर आप 1 रुपए 100 10 रुपए ले लीजिए, इस 10 रुपए को पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, है ना। 1000 में कन्वर्ट करेंगे तो छोटा हो जाएगा। सिमिलरली आप दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, 5 किलोमीटर। अब 5 किलोमीटर को अगर आप मीटर में लेके जाओगे बच्चों, तो ये 5000 मीटर हो जाएगा, है कि नहीं है। जबकि आप इसको अगर सेंटीमीटर में लेके आओगे, सेंटीमीटर में, क्योंकि सेंटीमीटर मीटर से भी छोटी है ना, तो मैग्नीट्यूड और भी बड़ा हो जाएगा। तो आप देखो, जब यूनिट बड़ी थी मैग्नीट्यूड छोटा था,
यूनिट छोटी हो गई, मैग्नीट्यूड बड़ा हो गया। इसलिए मैंने कहा कि जो मैग्नीट्यूड है वो इन्वर्सली रिलेशन में आता है यूनिट के। इज इट क्लियर? सो प्लीज नोट इट डाउन। उसके बाद आपको बताऊंगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि आपने सुना होगा कुछ फिजिकल क्वांटिटी होती हैं जो स्केलर होती हैं और कुछ वेक्टर होती हैं। तो स्केलर वेक्टर की बात हम लोग करेंगे इस चैप्टर के बाद। अभी हम यहां पर जो बात कर रहे हैं वो है फंडामेंटल और डिराइव्ड। तो आप लिख लीजिए कि द फिजिकल क्वांटिटीज आर कैटेगराइज्ड इनटू टू कैटेगरीज, वन इज फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज। इनको आप इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये किसी और पर डिपेंड नहीं करती हैं। दे डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी, दैट्स वाई दे आर सेड टू बी फंडामेंटल क्वांटिटीज और बेस क्वांटिटीज। इसके लिए आपको दिखाएंगे कि टोटल 7 फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं बेटे, केवल 7 हैं जो इंडिपेंडेंट हैं, वो किसी और पे डिपेंड नहीं करती हैं। जबकि इसके अलावा जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, 2 आती हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, जिसमें आता है सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल। प्लेन एंगल यानी 2D, जिसकी यूनिट रेडियन होती है, और सॉलिड एंगल यानी 3D में वो होता है, उसकी यूनिट स्टेरेडियन होती है ना। तो ये 2 सप्लीमेंट्री है बच्चों। इन दोनों को छोड़ के जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी हम लोग पढ़ते हैं, दे ऑल आर पार्ट ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज, और यू कैन से डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज। उनकी हम बात करेंगे। उससे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटीज जो हैं वो कौन कौन सी हैं, ऐसी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी हैं जो किसी पर भी डिपेंड नहीं करती हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे टाइम को आप रोक नहीं सकते। अभी आप पढ़ रहे हो तो ठीक है, नहीं पढ़ रहे हो तो टाइम तो पास हो रहा है ना। मैं पढ़ा रहा हूं तो ठीक है, टाइम का यूज हो रहा है। अदरवाइज अगर मैं नहीं भी पढ़ाता तो क्या टाइम रुकता क्या? जवाब है कि नहीं। टाइम इज अ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, टाइम कैन नॉट बी स्टॉप्ड। ठीक है, ऐसे ही 7 हैं, उन 7 के नाम मैं आपको लिखवाता हूं, लिखिएगा, है ना। इस पर हम बाद में आएंगे। जो पहली फिजिकल क्वांटिटी है बच्चों वो है आपके पास लेंथ दिया है, लिख लीजिए लेंथ। मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करेंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये टोटल 7 फिजिकल क्वांटिटीज हैं। इनका नाम लिखिएगा, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करेंट, है ना, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज हैं। ठीक है बच्चों, इसमें इसकी जो यूनिट है, अच्छा यहां पर बात हो रही है SI यूनिट की। एक बार बस आप लोग ये लिख लीजिए, फिर मैं वापस चलता हूं आपको और बताऊंगा कि कौन कौन से यूनिट सिस्टम है हमारे पास। लाइक व्हाट वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ दैट फिजिकल क्वांटिटीज आर कैटेगराइज्ड इनटू 2 मेन पार्ट्स, वन इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, वेयर एज अनदर इज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, सिमिलरली मैं आपको यूनिट के बारे में भी बताऊंगा, है ना। मास के लिए किलोग्राम यानी kg सिंबल है इसका, सेकंड के लिए, सॉरी टाइम के लिए सेकंड, और s उसका जो है वो सिंबल होता है। ठीक है, केल्विन, यहां पर बहुत लोग सेल्सियस लिखने की कोशिश करते हैं, तो सेल्सियस नहीं है, सेल्सियस भी एक यूनिट है बट केल्विन जो है वो SI यूनिट है। एम्पियर, कैंडेला और मोल। ठीक है, तो ये अगर आप नोट कर चुके हो तो मैं आपको बताऊं कि हमारे पास जो डिफरेंट यूनिट सिस्टम है, जिसमें एक FPS है, एक CGS है, एक MKS है और एक है SI यूनिट सिस्टम, जिसका फॉर्म है इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम। ठीक है, इसके बारे में हम बात करते हैं बच्चों डिटेल में, जरा देखिएगा। FPS में जो F है ना वो लेंथ के लिए स्टैंड करता है, जिसका नाम है फुट। दूसरा P जो है वो पाउंड, जो कि मास के लिए आप यूज करते हैं, फुट, पाउंड और सेकेंड, है ना। सेकेंड जो है वो टाइम के लिए है। ये भी एक यूनिट सिस्टम है, जिसको आप ब्रिटिश यूनिट सिस्टम बोलते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज गॉसियन सिस्टम, जिसको आप बोलेंगे वो लिखेंगे सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। ठीक है, मास, लेंथ, टाइम। जबकि MKS में
मीटर, किलोग्राम और सेकंड। और इसी एमकेएस यूनिट सिस्टम का जो है वो एक एक्सटेंडेड फॉर्म या बड़ा फॉर्म आप बोल लीजिए एसआई यूनिट सिस्टम है। और जनरली हम लोग एसआई यूनिट सिस्टम की बात करते हैं, बाकी आप कभी भी एसआई से किसी भी यूनिट सिस्टम में या किसी अदर यूनिट सिस्टम से एसआई में आप स्विच ओवर कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, इसमें कुछ भी नहीं है, ये लेंथ के लिए है पूरा कॉलम, ये मास के लिए है, और ये तो देख ही रहे हैं आप टाइम के लिए सेकंड हर बार फिक्स्ड है ना। तो चलो बच्चों नोट करते चलिएगा, है ना। यहां पर आपको अब मैं जो बताने जा रहा हूं वो है एक छोटा सा क्वेश्चन, आप देख लीजिए, है ना। जैसे मैंने अभी कहा था ना कि कांस्टेंट रहता है n इंटू यू का जो प्रोडक्ट होता है वो कांस्टेंट होता है। यहां पर आपको एमकेएस यूनिट सिस्टम में यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसका कैपिटल जी बोलते हैं उसकी वैल्यू दी है, जो पता होगा आप लोगों को 6.67 इंटू 10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है। क्लियर है। अब क्या है बच्चों, इसमें बोला है कि व्हाट विल बी द वैल्यू इन सीजीएस यूनिट सिस्टम, इसी की वैल्यू सीजीएस यूनिट सिस्टम में क्या होगी। तो आपको बड़ा आसान तरीके से देखिए, ये न्यूटन जो होता है ना, न्यूटन किसकी यूनिट है, फोर्स की यूनिट है। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। तो न्यूटन को आप किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिख सकते हो, ये न्यूटन के लिए है, ठीक है। यहीं पर कर लेते हैं, देखिएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम इंटू किलोग्राम कर दीजिए, तो ये किलोग्राम से किलोग्राम कट गया। अब आपके पास ये जो पूरा बचा है ना, इसका एन वन ये है, इसको आपको लेके जाना है सीजीएस में। तो आप बहुत आसान तरीके से इसको कर सकते हैं, कैसे करेंगे, वैल्यू रख दीजिए जल्दी से, देखिएगा 6.67 इंटू 10^-11। अब ये मीटर और ये मीटर है ना, वैसे डायमेंशन की अगर हम बात करते तो डायमेंशन से भी मैं आपको ये सिखा दूंगा, बहुत आसान है निकालना, m-1 L3 T-2, उसकी बात अभी हम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए ये -11 है ना, -11। मीटर को सेंटीमीटर में लेके जाना है, तो 100 का क्यूब सेंटीमीटर क्यूब है ना, सेकेंड का तो सेकेंड ही रहेगा, अपॉन 1000 ग्राम, तो सीजीएस यूनिट में हो गया ना, देखिए सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड, और ये आया कितना बेटे 6.67 इंटू 10^, देखिए यहां पर ये 6 होगा है ना, 10^2 और 3 6 होगा, नीचे 10^3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा केवल कितना, 10^3 बचेगा, और -11 में +3 करेंगे तो -8 सेंटीमीटर क्यूब S-2 अपॉन ग्राम। ये देखिए आपको ये N1 दिया था, ये N2 आ गया बेटे, और ये है CGS में। तो ये काफ़ी आसान प्रोसीजर है जिसमें आप कन्वर्ट कर सकते हैं किससे, SI यूनिट सिस्टम से CGS यूनिट सिस्टम में। इसको नोट कर लें आप सभी लोग, 6.67 इंटू 10^-8। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। बाद में हम इसको डायमेंशनल एनालिसिस से भी करेंगे, पहले डायमेंशन क्या होता है वो समझ लेते हैं। देखिएगा डायमेंशंस, पहले इस पॉइंट को हेडिंग डाल लीजिए और लिख लीजिए, है ना। डायमेंशंस के बारे में जनरली आप ये समझिए कि एक अलग तरह का रिप्रेजेंटेशन है जिसमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज की पावर कितने पावर की हेल्प से वो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी या कोई भी फिजिकल क्वांटिटी ऑब्टेंड की गई है, इस बात को बताता है हमारा डायमेंशंस, है ना। तो देखिए लिखिएगा यहाँ पर, डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स। पावर यानी जैसे मान लो मास की पावर कितना है, लेंथ की पावर कितना है, टाइम की पावर, जितनी भी 7 फिजिकल क्वांटिटीज हैं या कोई अदर फिजिकल क्वांटिटी है, मान लो आपने किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी को ही बेस क्वांटिटी मान लिया, आपने अगर फोर्स को मान लिया कि नहीं मेरा फोर्स ही जो है वो बेस क्वांटिटी है, तो दूसरी क्वांटिटीज के पावर क्या आना चाहिए उसको हम बोलेंगे पावर्स, है ना। पावर्स टू विच द बेस क्वांटिटीज आर रेज्ड टू एक्सप्रेस दैट क्वांटिटी। यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि बेस क्वांटिटीज ठीक है,
आप किसी दूसरी क्वांटिटी को भी बेस क्वांटिटी एज्यूम करके और किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन उसके टर्म में लिख सकते हो। इसके भी क्वेश्चन आईआईटी और मेडिकल दोनों में रेगुलरली पूछे जाते रहे हैं, तो हम उस पर भी बात करेंगे, है ना। अगर किसी को ये बात कंफ्यूजिंग लगती हो तो वो क्लास से जुड़ा रहे, उसको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, पता चल जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा था, है ना। अच्छा, डायमेंशनल फॉर्मूला, ये डायमेंशंस का ही एक फॉर्मुलेटिक फॉर्मूला है। इसको देखिएगा कि द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज दैट एक्सप्रेशन विच रिप्रेजेंट्स हाउ एंड विच ऑफ द बेस क्वांटिटीज आर इंक्लूडेड इन दैट क्वांटिटी। वही जो मैं बात कर रहा था कि किसी फिजिकल क्वांटिटी, लाइक आप फोर्स की बात करें तो फोर्स है मास और एक्सेलरेशन, है ना। तो इसमें मास तो क्या है, मास एक बेस क्वांटिटी, लेकिन एक्सेलरेशन बेस क्वांटिटी नहीं है। एक्सेलरेशन होता है कितना, एक्सेलरेशन की अगर बात आएगी बच्चों तो उसको आप लिखोगे वेलोसिटी अपॉन टाइम। फिर से, वेलोसिटी नहीं है बेस क्वांटिटी तो उसको आप क्या लिख सकते हो, मास इनटू डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। अब ये जो है ना, ये आपका लेंथ हो गया, ये आपका टाइम हो गया, ये मास हो गया, तो ये है बेस क्वांटिटीज, ठीक है। इस तरह से हम देखते हैं, पहले डायमेंशंस समझते हैं कि हमारे पास जो सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उनके डायमेंशंस क्या क्या हैं। तो यहाँ पर एक कॉलम बना लीजिए आप लोग डायमेंशंस का, और ये जो डायमेंशंस है ना ये यूनिक हैं सबके लिए, इन तीन के लिए, शुरू के तीन के लिए इनका फर्स्ट लेटर ले लिया गया और उनको एक स्क्वायर ब्रैकेट में दिखाना है आपको, है ना, लाइक एल एम और टी, है ना, एल एम टी। अब ये टेम्परेचर का, ये इसका यहाँ से लिया गया, के लिया गया, ठीक है, इसका ए यानी कैपिटल ए, इसका सी और डी, जबकि यहाँ पर एम ओ एल। तो ये है बच्चे इसका डायमेंशन, आप डायमेंशन नोट कर लीजिए, फिर हम आगे की तरफ बात करते हैं। ये एक स्पेशल रिप्रेजेंटेशन है ना, सभी कैपिटल लेटर में रहेंगे, यहाँ पर ये कैपिटल, दूसरा वाला स्मॉल, कैपिटल एम ओ एल स्मॉल रहेंगे, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर मैं बात करूं डायमेंशनल फॉर्मूला की, तो क्योंकि ये सारी बेस क्वांटिटीज हैं बच्चों, तो ध्यान देना इनमें सबकी पावर वन है अभी तो, है ना। लेकिन अगर किसी दूसरे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की आप बात करोगे तो वहां पर पावर ये नहीं रहेगा, है ना, पावर चेंज हो जाएगी, दिखाऊंगा अभी आप लोगों को। ये तो है फंडामेंटल क्वांटिटीज और उनके डायमेंशंस थे, ठीक है। अब देखिएगा यहां पर, यहां देखें आप कि कोई डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज अगर है, कोई भी अगर डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है बच्चे, तो उसका मान लो कोई डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है, यहां लिख लीजिएगा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, तो उस डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन कैसे लिखेंगे। मैं आपको बता दूं कि ये यूनिट और डायमेंशन एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। अगर आपको किसी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट पता है तो आप उसका डायमेंशन बता सकते हैं, और अगर आपको किसी का डायमेंशन पता है तो आप उसका यूनिट लिख सकते हो, है ना। और मान लो डायमेंशन या यूनिट दोनों नहीं पता है आपको, तो आपको उस फिजिकल क्वांटिटी का फिर फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे मैं शुरुआत करता हूँ, यहाँ नेम लिखते हैं हम लोग फिजिकल क्वांटिटी का, ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, नाम हो गया, फिर उसका फॉर्मूला लिख लीजिएगा, है ना, फॉर्मूला, उसकी यूनिट और उसके बाद उसका डायमेंशन। तो समझते चलिएगा, ये आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। जैसे पहले नंबर पर अगर मैं रखूं एरिया को, क्योंकि लेंथ तो एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, तो फॉर्मूला में क्या आएगा, एरिया है तो लेंथ इनटू ब्रेथ, है ना। लेंथ इनटू ब्रेथ का दोनों का यूनिट मीटर मीटर होता है बेटे, तो इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर स्क्वायर, और मीटर स्क्वायर अगर है तो इसका डायमेंशन क्या बनेगा, क्योंकि ये भी लेंथ था और ये भी लेंथ था, नाम बस अलग अलग था, बाकी यूनिट दोनों का सेम था। मीटर के लिए डायमेंशन होता है एल, तो ये एल टू आएगा। इसी को आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हो एम जीरो एल टू टी जीरो। अब ऐसा है दोस्त ना कि
एम एल और टी, ये तीन का इस्तेमाल करके मोस्ट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी जो होती हैं उनका डायमेंशन लिख लिया जाता है, ठीक है। बाकी भी जो चार है ना उनका भी इस्तेमाल है लेकिन थोड़ा लिमिटेड है, ये आपको देखने को मिलेगा। तो ये तो एरिया हो गया। अगर एरिया की बात हो गई हो तो हम लोग वॉल्यूम की बात करते हैं। अच्छा, वॉल्यूम की अगर हम बात करें, मान लो एक क्यूब है बेटे एल बी एच, तो इसका यूनिट क्या बनेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये बन गया मीटर क्यूब। मीटर क्यूब तो एल थ्री लिख सकते हैं आप, इसका एल क्यूब नहीं बोलेंगे, एल थ्री बोलिएगा, है ना। वैसे ही एम जीरो एल थ्री टी जीरो। नेक्स्ट में देखना बेटे, वॉल्यूम आ गया, मान लो आपको डेंसिटी लिखना है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला आपको पता होगा ना, मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम है तो इसको केजी पर मीटर क्यूब लिख सकते हैं। और इसका डायमेंशन क्या बनेगा बेटे, इसका डायमेंशन बड़े आसानी से एम एल माइनस थ्री, आपके पास जो डायमेंशनल फॉर्मूला वाली टेबल है ना, सात के केवल याद रखेंगे, बाकी सबका खूब आराम से लिख जाएंगे। साथ में भी शुरुआत में एम एल और टी पर ज्यादा फोकस रखना है आपको, क्लियर है। इस तरह से ये डेंसिटी हो गई। अब मान लो आपको स्पीड निकालना है ना, तो स्पीड का क्या होता है, सिंपल, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसका एम एस माइनस वन होता है मीटर पर सेकेंड, मीटर के लिए एल और सेकेंड के लिए टी, तो एल टी माइनस वन, ये हो गया इसका डायमेंशन। आपको बता दूं स्पीड या वेलोसिटी, याद रखिएगा इन दोनों का सेम होता है, क्योंकि स्पीड जो है और वेलोसिटी, इन दोनों में बस एक चीज का अंतर है कि स्पीड स्केलर है जबकि वेलोसिटी जो है वो वेक्टर है, और तो कोई अंतर है नहीं। इसलिए यूनिट भी सेम होती है इनका और दोनों का डायमेंशन भी बिल्कुल सेम होता है। आगे आती है बात एक्सलरेशन की, है ना। तो एक्सलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। यूनिट की बात कर लेते हैं सीधे इसकी, एम एस माइनस टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सिंपल एल टी माइनस टू, ये हो गया आपके पास। आगे बच्चों, अगर आपको फोर्स का लिखना है, किसका लिखना है, फोर्स, तो फोर्स क्या होगा, फोर्स सिंपल मास इनटू एक्सेलरेशन बोल दो, या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बोल दो, सॉरी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बोल दो, है ना। तो ये मास इनटू एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी तो केवल एक्सेलरेशन होता है ना, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये आ गया आपके पास एम एल टी माइनस टू। अब अगर फोर्स आ गया बच्चों तो आप वर्क निकाल सकते हो। वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जिसकी यूनिट हो जाएगी किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। और ये आ जाएगा कितना, एम एल टू टी माइनस टू, ठीक है। अच्छा, वर्क हो या एनर्जी हो, है ना, वर्क हो या एनर्जी हो, उन सबका जो है डायमेंशन और यूनिट सेम होगा। और आपको एक चीज और बताऊं, कितने भी टाइप की एनर्जी हो, एनर्जी हर एक टाइप की उसका यूनिट जो हो, उसका डायमेंशन जो होगा वो सेम होगा, है ना। यूनिट भी जूल होती है ना, पता है आपको। तो ये हो गए, दिस इज हाउ टू फाइंड द डायमेंशंस इफ यू नो द फॉर्मूला और यू नो यूनिट। यूनिट पता है आप डायमेंशन लिख लोगे, डायमेंशन पता है आप यूनिट लिख लोगे, है ना। तो इस बात को मैं आपको समझाना चाह रहा था, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा डायमेंशनल फॉर्मूला के बारे में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चे हम लोग, और वापस देखते हैं हम लोग क्या है यहां पर, देखिएगा। अब बात आएगी एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस की। इसमें टोटल तीन एप्लीकेशन है बच्चे। ये पहला वाला है टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन यूनिट टू द अदर। जैसे एक क्वेश्चन अभी हमने किया भी था, जी की वैल्यू हमें एसआई में गिवन थी, उसको हमने सीजीएस में किया था, है ना। तो ऐसा है कि वो तो मैंने नॉर्मली कर दिया था, लेकिन अब अगर आपको मैं करके दिखाऊंगा तो विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस करके दिखाऊंगा। दूसरा, टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ गिवन फिजिकल इक्वेशन या गिवन फिजिकल रिलेशन, उसका भी डायमेंशनल की एनालिसिस की हेल्प से हम कर सकते हैं। दूसरा, तीसरा वाला है टू डेराइव रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल
क्वांटिटीज। तो ये एक एक करके आती जाएंगी, वहीं पर मैं ये आपको पूरा कॉन्सेप्ट इनका एक्सप्लेन करता जाऊंगा और आप नोट करते जाइएगा, ठीक है बच्चों। जैसे पहला है कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डाइन। डाइन जो है बच्चे ये सीजीएस यूनिट है, तो ये पहला एप्लीकेशन आ चुका है। मैं आपको क्वेश्चन में ही पूरा थ्योरी एक्सप्लेन कर दूंगा और उसी के साथ आप आगे सीख जाएंगे, क्लियर है। तो देखिएगा, मैंने आपको एक चीज बोला था कि n इंटू यू जो होता है बच्चों वो कांस्टेंट होता है ना, और n इंटू यू अगर कांस्टेंट है इसका मतलब कि n1 u1 जो होगा वो n2 u2 के बराबर होगा। ऐसे में अगर आपको n2 निकालना है तो n1 u1 अपॉन u2 और दूसरा n1 m1 अपॉन m2 की पावर a, L1 अपॉन L2 की पावर B और T1 अपॉन T2 की पावर C। यहां पर हम कर क्या रहे हैं बच्चों कि यहां पर हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला या डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से फिजिकल क्वांटिटी जिसका पहले यूनिट सिस्टम में हम लोगों को पता है कि मैग्नीट्यूड क्या है, उसका हम दूसरे यूनिट सिस्टम में मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। इसके लिए कंडीशन है कि आपको जिस फिजिकल क्वांटिटी को कन्वर्ट करना है उसका डायमेंशन पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन की हेल्प से, आपको दिया है 1 न्यूटन, तो n1 दिया है 1, n2 आपसे पूछा जा रहा है और फोर्स का जो डायमेंशन होता है बच्चों वो होता है ML T-2। आप कंपेयर कर लो तो ये तीन चीजें ए बी और सी की वैल्यू आपको मिल जाएगी। कंपेयर करते ही यहां पर ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू भी 1 और सी की वैल्यू है -2, ठीक है। पहले किस सिस्टम में है, पहले एसआई यूनिट सिस्टम में है, बाद में किस में ले जाना है, सीजीएस में। तो M1 जो है ना वो यूनिट है उसका एसआई यूनिट में, M2 सीजीएस में, L1 लेंथ का पहले यूनिट सिस्टम में, L2 लेंथ का दूसरे यूनिट सिस्टम में। आइए अप्लाई करते हैं, तो N2 कितना आ जाएगा बेटे, 1 × पहले में क्या है किलोग्राम, दूसरे में क्या हो जाएगा बेटे ग्राम पावर 1, पहले में मीटर दूसरे में सेंटीमीटर पावर 1, पहले में भी सेकेंड और दूसरे में भी सेकेंड पावर -2। तो ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, 1 की पावर -2 का कोई मतलब नहीं है। 1 × यहां पर देखिएगा, कन्वर्ट कर दीजिए किलोग्राम को ग्राम में कर दीजिए आप, है ना। तो 1000 ग्राम upon ग्राम × 100 सेंटीमीटर upon सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गए और 10 की पावर आ गया 5, 3 जीरोज यहां से और 2 जीरोज यहां से। तो N2 की वैल्यू, अच्छा मैंने आपको बताया भी था व्हाइल एक्सप्लेनिंग इन इनिशियल फेज, आई हैव बीन टोल्ड यू दैट व्हेन यूनिट विल बी चेंज्ड, अगर यूनिट छोटी हो गई देन व्हाट विल हैपन, मैग्नीट्यूड विल बी इंक्रीज्ड। सो नाउ सी सीजीएस यूनिट छोटी है ना, तो इसलिए मैग्नीट्यूड उसमें बड़ा हो गया बच्चे, क्लियर है क्या। देख लीजिएगा इसको, दैट इज 1 न्यूटन जो है वो 10 की पावर 5 डाइन के बराबर है, क्लियर। अब यहीं पर इसी पॉइंट पे एक दूसरा हम ले लेते हैं पोर्शन, उसमें हम करते हैं कि हम 1 जूल को अर्ग में बदलने जाएंगे, ठीक है। कन्वर्ट 1 जूल × अर्ग, देखिएगा आप सभी, कन्वर्ट 1 जूल = अर्ग, ये आप लोग खुद से करिए, है ना। अच्छा जूल के लिए आप डायमेंशन लिख लीजिएगा ML2 T-2, ये SI यूनिट है बच्चों, जबकि ये वाला जो है वो CGS यूनिट है, ठीक है। वैसे आपको कोई भी क्वेश्चन दे दिया हो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, जो मैंने अभी सिखाया उसी का इस्तेमाल करेंगे आप और फटाफट आपका आंसर आता जाएगा, क्लियर है। तो देखिए इसमें क्या आता है, सिंपल N2 की वैल्यू निकालनी है 1 × किलोग्राम अपॉन ग्राम की पावर 1 डिवाइड इनटू ये मीटर अपॉन सेंटीमीटर की पावर 2 और सेकेंड अपॉन सेकेंड की पावर -2। यहां से बच्चे आपको
1000 मिल जाएगा, क्योंकि ऊपर भी ग्राम और नीचे भी ग्राम। यहाँ पर 100 × 100 मिलेगा, ऊपर सेंटीमीटर स्क्वायर, नीचे भी सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू वन, क्योंकि पावर 2 थी, 2 कट दीजिए ग्राम से ग्राम, 10^7 आ गया, ठीक है। दैट इज जो 1 जूल है वो 10^7 अर्ग के बराबर आ गया। तो ये है, आप किसी भी क्वेश्चन को कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से पिछला वाला जो ग्रेविटेशन मैंने कराया था वो करके देख लीजिए, और भी कुछ क्वेश्चन मिलेंगे आप उनको कर लीजिएगा। आगे मैं और भी क्वेश्चन आपको कराऊंगा, है ना, तो आपको और भी सीखने को मिलेगा। तब तक मैं इस मेथड को, एप्लीकेशन 1 को रोकता हूं, आगे देखिएगा, है ना। जो आपको एक्यूरेसी चेक करने के लिए दिया था ना, कि टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन फिजिकल इक्वेशन, कि वो एक्यूरेट है, सही है या नहीं है, करेक्ट है कि नहीं है, ठीक है। तो यहां पर देखिए, चेक द एक्यूरेसी यानी कि करेक्टनेस ऑफ रिलेशन, और रिलेशन क्या दिया है बेटे, T=2π√LG, L जो है वो लेंथ है, है ना। सिंपल पेंडुलम में L लेंथ है और G जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन है, जिसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, ठीक है। तो आप LHS को देखो ना, LHS में क्या है, टाइम है, तो टाइम का डायमेंशन क्या बनेगा, इसका डायमेंशन अगर हम बात करें तो बनेगा m0 l0 t^1, ठीक है, या केवल t। जबकि जो दूसरा वाला है बच्चे, दूसरे साइड में RHS में, RHS में क्या दिया है देखिएगा, 2π√LG। यहां पर मैं आपको कुछ बात बताना चाहूंगा कि ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होते हैं लाइक 2 एंड पाई, 2 और पाई, ये दोनों ही कांस्टेंट हैं, इसलिए इनका यहाँ पर कोई भी डायमेंशन नहीं होगा और ना ही होगा कोई इनका यूनिट। तो जिसकी यूनिट नहीं होगी उसके डायमेंशंस भी नहीं होंगे, ठीक है बच्चे। तो हम लेंथ का डायमेंशन रखते हैं, अगर हमें इसका डायमेंशन निकालना हो तो लेंथ का डायमेंशन L और इसका LT-2, L से L कैंसिल हो गया बच्चों, ऊपर जाके T^2 जो कि बाहर आके T^1, इसी को आप m0 l0 t^1 लिख सकते हो। अब देखो LHS और RHS दोनों सेम है कि नहीं है, LHS में भी सेम डायमेंशन, RHS में भी सेम डायमेंशन, तो आप बोल सकते हो कि यस दीज टू आर हैविंग सेम डायमेंशन, सो द गिवन फिजिकल रिलेशन इज करेक्ट, वो एक्यूरेट है, करेक्ट है, क्लियर है, नोट कर लें आप इसको। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आपको दी जा सकती है, ठीक है, उसमें एक प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी भी होता है, वो भी समझिएगा आप लोग। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग हेडिंग डाल लीजिए, बल्कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, और लिखिए इसमें कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड विच आर डायमेंशनली सेम, जिनका डायमेंशन सेम होगा केवल वो ही फिजिकल क्वांटिटीज को एड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। वेयर एज मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज पॉसिबल, मल्टीप्लीकेशन करना हो, डिविजन करना हो, किसी फिजिकल क्वांटिटी का कर लीजिए। एग्जाम्पल ले लीजिए मेरे साथ, 2 kg + 2 kg, 2 kg + 2 kg, तो आप बता देंगे कि सर ये 4 kg होगा, लेकिन क्या 2 kg + 2 m पॉसिबल है? जवाब है नो, नॉट पॉसिबल, है ना। पॉसिबल इसलिए नहीं है बच्चे क्योंकि ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो भी नहीं कर रहा है। कोई ऐसी क्वांटिटी जिसका यूनिट सेम ना हो उसको ना तो ऐड किया जा सकता है और ना ही सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, क्लियर है ना। तो यही है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है। अब वो थर्ड वाला जो एप्लीकेशन था आपके पास, टू डेराइव द रिलेशन बिटवीन गिवन फिजिकल क्वांटिटीज थर्ड डायमेंशनल एनालिसिस, वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, तो बहुत अच्छे से सीखिएगा इसको, है ना। इसमें क्या दिया है, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। इट इज नोन दैट द टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन टी ऑफ अ सैटेलाइट अराउंड द अर्थ डिपेंड्स ऑन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट जी, टी जो है वो जी पर डिपेंड करता है,
मास ऑफ अर्थ पर डिपेंड करता है एंड रेडियस ऑफ ऑर्बिट आर पर डिपेंड करता है। बोला है ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर टी यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस का इस्तेमाल करके हमें ये जो चार क्वांटिटीज दिख रही हैं जिन पर मैंने मार्क किया है, इन चारों के बीच एक रिलेशन डिराइव करना है। तो आइए देखते हैं हम कि क्या रिलेशन है इन चारों के बीच। उसके लिए हमें डायमेंशनल एनालिसिस का थर्ड एप्लीकेशन पता होना चाहिए। तो हम करते क्या है, क्योंकि हमें नहीं पता कि किसकी पावर कितनी होनी है ना, तो हम एक काम कर लेते हैं। लेट अस कंसीडर कि जो टी है टाइम पीरियड, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के और उसकी पावर ए। जी की पावर ए ले लीजिए, है ना, और रेडियस मास की पावर बी ले लीजिए और रेडियस की पावर क्या ले लीजिए, सी। ये तीन पॉइंट हैं आपके पास, ठीक है बच्चे। अब ये ए बी और सी की वैल्यू अगर आपके पास आ जाए ना, तो आप डिराइव कर देंगे, रिलेशन निकाल लेंगे। उसके लिए ही आपको डायमेंशनल एनालिसिस करना है दोनों तरफ, है ना। ये जी क्या है, सबका अलग अलग। देखो मास का डायमेंशन आपको पता है कि कैपिटल एम होता है, रेडियस का भी आपको पता है कैपिटल एल होता है। ये जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसका आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने अभी पीछे बताया भी था जब मैं पढ़ा रहा था, इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट न्यूटन है, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये लिखा था हमने, नाइन्थ क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं इसको। तो देखिएगा कैसे निकालेंगे, फटाफट निकाल लीजिए, है ना। एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू आता कैसे है वो देख लीजिए। फोर्स का एम एल टी माइनस टू हो गया, इसका एल टू हो गया और इसका एम की पावर टू, एक एम से एम कट गया, ये ऊपर गया बेटे एम माइनस वन एल थ्री और टी माइनस टू। अब आपके पास ये सारे नोन है और टाइम पीरियड का आपको पता ही है टी, तो आप क्या करिए, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट एज इट इज चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इधर लिख दीजिए एम जीरो एल जीरो टी की पावर वन, और इधर इसकी पावर एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू की पावर ए, फिर एम की पावर बी और एल की पावर सी। कंपेयर कर दीजिए दोनों साइड, इधर देखिए एम की पावर जीरो है और इधर क्या है, माइनस ए प्लस बी है, क्योंकि यहां से माइनस है और यहां से प्लस बी, यानी ए और बी दोनों इक्वल है, क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, एल की पावर इधर जीरो है, इधर है थ्री ए प्लस सी, इधर क्या है थ्री ए प्लस सी, ठीक है बेटे, यानी जो सी की बात बाद में करेंगे, पहले यहां टी की पावर इधर वन है, इधर माइनस टू ए है, ठीक है ना। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई बेटे, माइनस वन बाई टू आई, नहीं आई। ए की वैल्यू अगर माइनस वन बाई टू आ गई तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, बी की वैल्यू भी माइनस वन बाई टू आ गई, ठीक है, और सी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस थ्री ए, इट मीन्स सी की वैल्यू आ गई थ्री बाई टू, क्योंकि माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब इन वैल्यूज को आप वहां रख दीजिए फटाफट और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये देखा आपने कितना आसान है, रख दीजिए यहां पर उठा के इन तीनों को। ए बी सी की वैल्यू ही निकालनी थी आपको बच्चे, और आपको इन तीनों का अगर डायमेंशनल फॉर्मूला पता है और एक इधर चार का, तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। देखा आपने, हमें कोई दिक्कत हुई क्या इसमें, रख दीजिए T इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखिए, है ना, G की पावर क्या है माइनस वन बाई टू, और M की पावर भी माइनस वन बाई टू, R की पावर थ्री बाई टू, क्योंकि सब में पावर वन बाई टू है, तो मैं एक तो रूट लगा लूंगा और दूसरा ऊपर R क्यूब नीचे जी एम लिखूंगा। क्यों बच्चे, क्योंकि ये देखिएगा माइनस माइनस, माइनस साइन होने की वजह से वो नीचे आएंगे कि नहीं आएंगे, बोलो हाँ या ना, नीचे आ गया। अब रही बात ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन की, तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन को बाद में हटा के आप 2 पाई लिख सकते हो बच्चों, और ये 2 पाई जो होता है ना, ये जो 2 पाई है
ये आपको अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप सीख जाओगे, है ना। ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन है, ये प्रैक्टिकली ऑब्टेन किए जाते हैं। क्लियर है? मैं थोड़ा साइड हूँ, आप तब तक नोट कर लीजिए। आप देखिए इसमें कैसे मैंने ए बी और सी का कंपेयर करके निकाला है ना, क्योंकि जब प्रोडक्ट होगा, इसका प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट में पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती चली जाती हैं, है ना। तो एम के साथ एम वाली पावर ऐड हो जाएंगी, एल है तो एल वाली पावर ऐड हो जाएंगी। अच्छा, इस डायमेंशनल एनालिसिस, ये जो थर्ड वाला डायमेंशनल एनालिसिस कर रहे हैं, इसकी एक लिमिटेशन है। और लिमिटेशन क्या है बेटे, लिमिटेशन ये है कि तीन से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी अगर है तो आप नहीं बता सकते, तब उनके बीच रिलेशन डिराइव करना कठिन होगा। एक और पॉइंट, अगर इनके बीच कोई एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता तो भी नहीं बताया जा सकता था, तो भी ये रिलेशन डिराइव करना मुश्किल हो जाता हमारे लिए, नहीं कर पाते। अगर इनमें कोई लॉग या साइन आता, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता, लॉगरिदमिक आता, एक्सपोनेंशियल आता, उसका भी हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेशन डिराइव नहीं कर पाते। क्लियर है क्या? तो इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए, ठीक है, सभी लोग नोट कर लें इसको। नोट हो गया हो तो हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। यहां पर देखिए आप, एक क्वेश्चन है आपके सामने, इफ अल्फा इज इक्वल टू एफ अपॉन वी स्क्वायर साइन बीटा टी। अब देखिए जैसे यहां बीटा आ गया ना, तो अगर मुझे अल्फा फोर्स वी और साइन बीटा और टी के बीच रिलेशन डिराइव करना होता, मैं नहीं कर पाता उस मेथड से जैसे पीछे आपने देखा था डायमेंशन एनालिसिस के तीन एप्लीकेशन से। तो ये जो है ना, वो डायमेंशन एनालिसिस के लिमिटेशंस में भी आते हैं कि एक तो फिजिकल क्वांटिटी के बीच एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं लिखा जा सकता, दूसरा तीन से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी होंगी तो दिक्कत होगी, एक्सपोनेंशियल होगा, लॉगरिदमिक होगा तो भी दिक्कत होगी, तो भी उनके बीच रिलेशन डिराइव करना इम्पॉसिबल होगा हमारे लिए, ठीक है। तो देखें आप यहां पर इसमें क्या बोला है कि एफ तो फोर्स है, टी टाइम है, वी वेलोसिटी है, आपको बोला है कि फाइंड द डायमेंशंस ऑफ अल्फा एंड बीटा, अल्फा और बीटा के डायमेंशंस फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब देखो एक्चुअल में ये साइन थीटा है, साइन थीटा ये जो है वो थीटा है, और थीटा एक एंगल होता है, एंगल का कोई भी यूनिट नहीं होता, वैसे तो होते हैं, रेडियन होता है, डिग्री होता है, मिनट होता है, सेकंड होता है, बट क्योंकि एंगल होता है आर्क अपॉन रेडियस, तो रेडियस है ना, ऊपर भी मीटर नीचे भी मीटर, तो ये यूनिटलेस है, कैसा है। और वो जो मैं नाम ले रहा था ना कि यूनिट्स होती हैं, चार अलग अलग नाम लिए मैंने, वो सारे जो हैं वो स्पेशल यूनिट्स हैं जो असाइंड हैं एंगल्स को। क्लियर है क्या? तो इसलिए ये बीटा इंटू टी डायमेंशन लेस होगा या फिर यूनिटलेस होगा, यूनिटलेस होगा या फिर डायमेंशन लेस होगा, एक ही बात है, ठीक है। अब देखो बच्चों, इसलिए जो बीटा आ जाएगा वो 1 अपॉन टी के बराबर आ जाएगा, तो बीटा का डायमेंशन तो आ गया बेटे 1 अपॉन टी या फिर टी की पावर माइनस 1। दूसरी बात, अब अल्फा की बात करें हम, तो अल्फा का डायमेंशन वही होगा जो एफ अपॉन वी स्क्वायर का होगा, और फोर्स का क्या होता है, एम एल टी माइनस 2, नीचे एल टू टी माइनस 2, क्योंकि एल टी माइनस 1 होता है स्पीड का या वेलोसिटी का। तो आप देखें एक एल से एल कट गया, टी माइनस 2 से टी माइनस 2 कट गया, ये आ गया कितना, एम एल माइनस 1। इसको नोट कर लीजिए आप सभी लोग, ठीक है, और कहीं कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, है ना, कमेंट कर सकते हैं आप लोग। समझ में आ रहा है कैसे आपको ये समझाया मैंने, कैसे निकाली वैल्यूज, है ना, ये अलग है और ये अलग है, ठीक है बच्चों। मैं आगे बढ़ता हूं, उम्मीद करता हूं आप लोग नोट कर चुके होंगे, नोट नहीं किया है तो पॉज करके भी आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, बोला बेटे फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज, टेम्परेचर, तो टेम्परेचर का
टेम्परेचर तो एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है और इसका तो पता है ना आपको, टेम्परेचर का के केल्विन, टेम्परेचर का डायमेंशन हम लोग केल्विन लिखते हैं, ठीक है बेटे। काइनेटिक एनर्जी बी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। इसमें क्या है बच्चे, मास का पता ही आपको, वेलोसिटी का पता है 1/2, क्योंकि डायमेंशन लेस होता है, तो काइनेटिक एनर्जी का जो डायमेंशन होगा वो होगा एम एल टू टी माइनस टू, वही है जो वर्क का होता है, ठीक है। अच्छा, प्रेशर की बात की जाए तो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर आप लोगों ने पढ़ा होगा थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, है ना, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, या फिर फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स का क्या होता है, एम एल टी माइनस टू, एरिया का एल टू, सो यू कैन राइट एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ये हो गया आपका प्रेशर का। वहीं पर एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड को बेटे ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि होता है थीटा अपॉन टी, ठीक है। और थीटा जो है ना, ये अभी अभी मैंने बताया था कि इसका कोई यूनिट नहीं होता है, तो एंगुलर वेलोसिटी का या एंगुलर स्पीड का केवल हो जाएगा टी की पावर माइनस वन, इसी को आप एम जीरो एल जीरो टी की पावर माइनस वन लिख सकते हो, नोट कर लीजिएगा इसको। तो ये चार थे छोटे छोटे, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज, नोट कर लें आप सभी, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है क्वेश्चन। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट एच, अगर आपने प्लैंक कांस्टेंट के बारे में पढ़ा है तो अच्छी बात है, अदरवाइज ये एक एनर्जी से रिलेटेड होता है, ई इज इक्वल टू एच न्यू, है ना, न्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी है, एच जो है वो प्लैंक कांस्टेंट है, ई एनर्जी है। तो एनर्जी का तो आप लोगों को बता चुका हूं ना कि एम एल टू टी माइनस टू करके भी दिखाया था, और फ्रीक्वेंसी का होता है बच्चों टी माइनस वन। तो एच का डायमेंशन क्या आ जाएगा, एच के डायमेंशन की बात की जाए तो एम एल टू टी माइनस वन। अच्छा, ये याद रखने वाली चीजें हैं, कुछ ऐसे आप बोल सकते हैं कि डायमेंशंस हैं, वो डायमेंशंस आपको याद होने चाहिए। जैसे प्लैंक्स कांस्टेंट है, उनमें से ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, रेसिस्टेंस है, है ना, पोटेंशियल है, इंडक्टेंस है, ये सब आपको याद होना चाहिए, ठीक है बच्चों। ये देखिएगा टी माइनस टू टी माइनस वन, एक पावर कट गई, एम एल टू टी माइनस वन, क्लियर है, नोट कर लें आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इसमें क्या है, सेंट्रिपिटल फोर्स ऑन अ बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड v इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r डिपेंड्स अपॉन m v एंड r, डेराइव अ फॉर्मूला फॉर द सेंट्रिपिटल फोर्स यूजिंग द थ्योरी ऑफ डायमेंशंस। आपको बताऊं, फॉर एनी बॉडी टू परस्यू अ सर्कुलर मोशन देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ सेंट्रिपिटल फोर्स। सेंट्रिपिटल फोर्स के बिना सर्कुलर मोशन हो ही नहीं सकता, और सेंट्रिपिटल होता है जो सेंटर की तरफ काम करता है, इट इज ऑल्सो नोन एज सेंटर सीकिंग फोर्स। अगर कोई बॉडी है m मास की बच्चों, और वो इस r रेडियस के ट्रैक पर v स्पीड से घूम रही है ना, तो उस पर एक सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा होगा, जिसका नाम है सेंट्रिपिटल फोर्स, और इसी के बीच एक रिलेशन डिराइव करना है, तो आप लोग कर सकते हैं जैसा मैंने आपको समझाया था। आइए देखते हैं, आप पहले ऐसे कर लें कि लेट अस कंसीडर f इज इक्वल टू m की पावर a, v की पावर b, r की पावर c, क्योंकि बोला है ना कि इन तीन चीजों पे डिपेंड करता है। डायमेंशंस लिख लीजिए, एम एल टी माइनस टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m की पावर a, एल टी माइनस वन की पावर b, और रेडियस का l होता है पावर c। कंपेयर कर लीजिए, कंपेयर करके यहां m की पावर कंपेयर करिए तो a की वैल्यू 1 आ जाएगी, क्योंकि इधर पावर 1 है, l की पावर इधर 1 है, और इधर कितना है बेटे b प्लस c है, इधर t की पावर माइनस 2 है और इधर माइनस b है, तो b की वैल्यू आ गई सीधे 2, यहां रख दीजिएगा c की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1। अब क्योंकि आपके पास a b c की वैल्यू है, तो आप फटाफट लिख सकते हैं f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m की पावर 1, v की पावर 2 और c की पावर, सॉरी
सी की पावर नहीं, रेडियस की पावर है ना, आर की पावर माइनस वन. सो इट कैन बी रिटन एज एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर. एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर अपॉन आर बिकॉज द प्रोपोर्शनैलिटी साइन के इज इक्वल टू वन. और अगर आपको नहीं पता है तो आप के लगा के छोड़ दीजिए यहाँ पर, ठीक है. वैसे के की वैल्यू जो होती है वो वन होती है, इसलिए हमने यहां पर के नहीं लिखा था. क्लियर है? उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा. फोकस के साथ पढ़ेंगे तो जरूर समझ में आएगा दोस्त. लक्ष्य बहुत बड़ा है, लक्ष्य छोटा नहीं है. लक्ष्य है इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, सफल इंसान बनना. तो सफल इंसान बनने के लिए आपको बहुत उम्मीदों के साथ और ऊर्जा के साथ पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाई करना होगा. हर समय मोटिवेटेड फील करना होगा. कहीं आपको लगे कि थोड़ा सा धीमा हो रहा है, एनर्जी थोड़ी कम हो रही है, तो अपने आप को बोलो कि लक्ष्य बहुत बड़ा है, बड़े आदमी बनना है तो एनर्जी को बढ़ानी पड़ेगी. ठीक है दोस्त? चलो नेक्स्ट क्या है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं. पहला क्वेश्चन क्या दिख रहा है इधर, वैसे तो क्वेश्चन चल ही रहे हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ यूनिट इज नॉट बेस्ड ऑन यूनिट ऑफ मास लेंथ टाइम अलोन. मास लेंथ टाइम, अच्छा आपने देखा है एमकेएस में मास लेंथ टाइम ही है, एफपीएस में मास लेंथ टाइम ही है, सीजीएस में यही है मेन. तो एक एसआई बचता है जिसमें केवल मास लेंथ टाइम नहीं है, न्यूटन है, और भी बहुत कुछ है, जूल है ना. तो एसआई यूनिट सिस्टम एक ब्रॉडर यूनिट सिस्टम है. तो इसका आंसर हो जाएगा ए, एक बड़ा यूनिट सिस्टम है. ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिएगा. इसमें क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज यूनिटलेस. चार ऑप्शन दिए हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट, डिस्प्लेसमेंट ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट और फोर्स ग्रेडियंट. ग्रेडियंट क्या होता है बच्चे, ग्रेडियंट क्या होता है ना. ग्रेडियंट आप लोग पढ़ोगे ना तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ है ना, डिस्प्लेसमेंट ग्रेडियंट चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ. तो आप खुद डिसाइड कर लो कि इसमें से कौन सा है जो कि यूनिटलेस है. फटाफट करिएगा इस काम को, है ना, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे और आप कर भी पाएंगे, है ना. वेलोसिटी ग्रेडियंट की बात आए तो वेलोसिटी अपॉन लेंथ बोल दीजिए, प्रेशर ग्रेडियंट डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एल, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा एल, डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा एल, प्रेशर फोर्स ग्रेडियंट है ना. प्रेशर ग्रेडियंट मतलब जैसे मान लो कि आप दो लेयर्स हैं, तीन लेयर, चार लेयर, यहां से इस पॉइंट पर अगर ये लेयर आगे की तरफ वी वेलोसिटी से जा रही है जो एक्स डिस्टेंस पर है, ऊपर डेल्टा एक्स जाने के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई वी प्लस डेल्टा वी, तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स को हम लोग वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलेंगे, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू लेयर्स. ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट ग्रेडियंट क्या होगा, डेल्टा डिस्प्लेसमेंट अपॉन डेल्टा एल या डेल्टा एक्स, एक ही बात है ना. तो ये देखो ना, ऊपर भी लेंथ नीचे भी लेंथ, यही तो है यूनिटलेस. बाकी तो यूनिटलेस थोड़े हैं, ये यूनिटलेस नहीं है, ये भी यूनिटलेस नहीं है, ये भी यूनिटलेस नहीं है, है ना. तो ग्रेडियंट का मतलब यही होता है, चेंज इन एनी क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू लेंथ. क्लियर है? अब इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़िए, पढ़ने के बाद जवाब देने की कोशिश करिए. मेरे जवाब देने से पहले आप लोगों का जवाब आना चाहिए, ठीक है. क्या लिखा है यहां पे, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ, द फंडामेंटल यूनिट विच हैज सेम पावर इन द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन एंड कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी. अच्छा, ये सरफेस टेंशन और कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी, ये दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज आ गई हैं. जिन्होंने पढ़ा है उनको तो पता होगा सरफेस टेंसिटी को सिग्मा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, टी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ. ठीक है, तो इसका क्या आएगा डायमेंशन, इसका डायमेंशन आएगा बेटे एम टी माइनस टू, यही आएगा ना, क्योंकि MLT माइनस टू ऊपर और नीचे लेंथ. कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी जनरली जो है वो थिकनेस ऑफ लिक्विड से रिलेटेड है और कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी को नीटा से रिप्रेजेंट करते हैं बेटे, जिसका डायमेंशन है ML माइनस वन T
t-1। अगर ये आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो इसके बारे में बताऊं, इसको लिखते हैं हम लोग नीटा इक्वल टू एफ अपॉन ए इंटू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। अब ये जो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स है ना, ये वही जो पीछे आपने वेलोसिटी ग्रेडियंट पढ़ा था ना, वही है। तो देख लीजिए एम एल टी माइनस टू, मैं ये उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जिन्होंने अभी तक वेलोसिटी ग्रेडियंट कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोल रहे हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट नहीं पढ़ा है। जो नए बच्चे हैं जो 11 12th पास है उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो देखो बेटे एल से एल कट गया, टी की पावर माइनस टू टी की पावर माइनस वन बचा, एक एल से एल और यही ऊपर जाके एम एल माइनस वन टी माइनस वन। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन जो आपसे पूछा था वो ये पूछा था कि द फंडामेंटल यूनिट विच हैज सेम पावर इन द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन एंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, दोनों में सेम पावर। तो सेम पावर तो मुझे केवल मास की दिख रही है, क्योंकि लेंथ की यहां पावर जीरो है और यहां पावर माइनस वन है, टी की पावर माइनस टू और माइनस वन, तो आंसर हो जाएगा मास। मास की ही पावर जो है वो सेम है। क्लियर है क्या? नोट कर लेना बच्चों इसको, आगे बढ़ता हूं मैं। यहां पर देखिए इस क्वेश्चन को भी पढ़ें आप सभी और जवाब देने की कोशिश करें। डेंसिटी ऑफ वुड इज 0.5 ग्राम पर सीसी, सीसी मतलब पर सेंटीमीटर क्यूब इन सीजीएस यूनिट सिस्टम, द करेस्पॉन्डिंग वैल्यू इन एमकेएस। भैया एमकेएस में जाओगे तो देखो कितना होगा, ध्यान से देखो, ये दिया है 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसको एमकेएस में कन्वर्ट कर दो। तो फटाफट करना, देखो 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 किलोग्राम है ना, और नीचे 10 की पावर माइनस 6 मीटर क्यूब, क्योंकि एक सेंटीमीटर में, एक सेंटीमीटर का मतलब होता है 10 की पावर माइनस 2 मीटर। अब क्योंकि यहां सेंटीमीटर का क्यूब है तो 10 की पावर माइनस 6 हो जाएगा, ये कट गया 10 की पावर माइनस 3 बचा, इसको ऊपर भेजोगे तो 0.5 इंटू 10 की पावर प्लस 3 आ जाएगा, और ये देखो एमकेएस में हो गया नहीं हो गया है, तो ये आ गया बेटे 500 यानी ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है बात? नोट कर लीजिए सभी लोग इसको, ध्यान से देखिएगा कैसे मैंने किया, और ये सिंपल था, आप बहुत सारे लोगों ने आपने मुझसे पहले कर रखा होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं, नेक्स्ट देख लीजिए। इसमें इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में लिस्ट दी हुई है बेटे, लिस्ट वन और लिस्ट टू, और इधर कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, है ना। लिस्ट में क्या लिखा है कि डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड स्टार, और लिस्ट टू में उनके कुछ यूनिट्स दिए हुए हैं। नेक्स्ट है इंटर एटॉमिक डिस्टेंस इन अ सॉलिड, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस इन अ सॉलिड, साइज ऑफ न्यूक्लियस, वेवलेंथ ऑफ इंफ्रारेड लेजर। भैया एक चीज याद रखना, ये मैच द फॉलोइंग है, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड स्टार जो होता है बच्चे, वो पहले इधर मत देखिएगा, पहले इधर देखिएगा, वो लाइट ईयर में किया जाता है, क्योंकि लाइट ईयर जो डिस्टेंस है, जो यूनिट है लाइट ईयर, वो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस को यूज करने के लिए किया जाता है, किलोमीटर में नहीं मेजर किया जा सकता उसको, है ना। दूसरा है साइज ऑफ न्यूक्लियस, है ना, साइज ऑफ न्यूक्लियस को हम कैसे मेजर करेंगे बेटे, न्यूक्लियस क्योंकि छोटा होता है ना, तो साइज ऑफ न्यूक्लियस को कैसे आप मेजर करेंगे वो देख लीजिए, है ना। साइज ऑफ न्यूक्लियस को आप एंगस्ट्रॉम में मेजर कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद इंटर एटॉमिक डिस्टेंस इन अ सॉलिड, इसको फर्मी में नोट करिए, ठीक है। फर्मी जो एक, फर्मी मतलब 10 की पावर माइनस 15, माइक्रोन मतलब 10 की पावर माइनस 6, एंगस्ट्रॉम मींस 10 की पावर माइनस 10। लाइट ईयर की बात बता देता हूं अभी आपको, फर्मी यानी 10 की पावर माइनस 15, किलोमीटर यानी 10 की पावर 3 मीटर, है ना। अच्छा लाइट ईयर अगर आपको समझना है ना, तो वन लाइट ईयर होता है कि जो लाइट है वो एक साल में कितना डिस्टेंस कवर करती है, तो आपको पता है लाइट की स्पीड 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है, वो टोटल 365 दिन होते हैं एक साल में, है ना।
एक दिन में 24 घंटे, 24 घंटे के बाद 60 मिनट और 60 मिनट में हर मिनट में एक सेकेंड, तो इतना मीटर डिस्टेंस होता है किसमें, एक लाइट ईयर में। ठीक है बच्चे, अब वेवलेंथ ऑफ इंफ्रारेड लेजर है उसको माइक्रोन में मेजर कर लीजिएगा। ठीक है, तो देख लीजिए इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन मैच करता है, पहले का थर्ड पार्ट, ठीक है, दूसरे का फोर्थ पार्ट, दूसरे का फोर्थ पार्ट और सी का फर्स्ट पार्ट और डी का सेकेंड पार्ट, है ना, आपका ये ऑप्शन मैच कर गया। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, समझ चुके होंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिट ऑफ टाइम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिट ऑफ टाइम, ये आप खुद डिसाइड कर लीजिए, सामने लिखा हुआ है आपके, पढ़ लीजिए जल्दी से क्या क्या हो सकता है इसमें से। भैया माइक्रोसेकेंड मतलब एक माइक्रोसेकेंड का मतलब है 10^-6 सेकेंड। लीप ईयर आपको पता ही है, लूनार मंथ ये भी टाइम के लिए है, पैरालिटिक जो है पैरालैक्टिक सेकेंड ये नहीं है। ठीक है, तो ये तीनों तो ऑप्शन थे, चौथा वाला था जो मैच नहीं कर रहा था, है ना। इसमें देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज रॉन्ग, ये लिख भी लीजिएगा, है ना, लिख भी लीजिएगा कि जो 1 कैलोरी होती है वो लगभग 4.18 जूल या फिर 4.2 जूल के बराबर, तो ये तो सही है ना, ये करेक्ट है। 1 की पावर 1 एंगस्ट्रॉम मैंने अभी बताया था कि 10^-10 मीटर, तो ये भी सही है। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है, मेगा मतलब 10^6, इलेक्ट्रॉन मतलब 1.6×10^-19, ठीक है, ये हो गया आपका कितना आ जाएगा 1.6×10^-13, तो ये भी सही है यार, है ना, ये भी सही है। और 1 न्यूटन में आपने देखा था 10^5 डाइन होता है, लेकिन यहां पर आप ध्यान से देखो -5 दिया है, इसलिए ये गलत है। इसका मतलब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये सारे ऑप्शन गलत हैं और सही ये वाला ऑप्शन है, क्योंकि वो कॉन्सेप्चुअली गलत है, तो जो गलत होगा वही तो पूछा था इसमें, गलत वाला पूछा था ना, तो इसको आप सही ऑप्शन इसमें टिक कर देंगे। क्लियर है बच्चों, चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, आगे पढ़िए आप। पार्सेक इज द यूनिट ऑफ, ये आपने नाम सुना होगा, पार्सेक इज द यूनिट ऑफ, नाम सुना है तो फटाफट आप बता देंगे कि सर ये डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, है ना, और जिसने नाम नहीं सुना होगा वो इसी में खोजता रहेगा कि क्या है इसमें, ध्यान से रखिएगा इसको, है ना, याद रखेंगे भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट क्या है, द रेशियो ऑफ डायमेंशंस ऑफ प्लैंक कांस्टेंट एंड दैट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्सिया, प्लैंक कांस्टेंट का भी अभी आपको बताया था, याद आ रहा है आपको, प्लैंक कांस्टेंट का होता है क्या ML2T-1, ठीक है बेटे, और दैट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्सिया, मोमेंट ऑफ इनर्सिया को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्सिया होता है MR² यानी ML2, ठीक है, तो नीचे आपने कर दिया ML2। अब देखो M, L2, L2 बचा क्या, केवल T^-1 बचा क्या, तो जो रेशियो है T^-1 वेलोसिटी का होता है बेटे LT-1, बोलो हाँ ना, ये टाइम का क्या होता है, टाइम का T^1 होता है, एंगुलर मोमेंटम का क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम को L से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है MVR, तो इसका आ जाएगा ML2T-1, ठीक है, ML2T-1, तो ये तो हो नहीं सकता, फ्रीक्वेंसी होता है 1/T, फ्रीक्वेंसी को इससे या इससे रिप्रेजेंट करते सॉरी ये T-1 आ गया, क्लियर है क्या। नोट कर लीजिएगा इसको, देखिए इसमें से सही ऑप्शन आपका कौन सा मैच कर गया कि रेस डी वाला ऑप्शन, ठीक है बेटे, क्योंकि यही T-1 आ रहा है केवल, बाकी सब तो अलग अलग आ रहे हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूं जो पहली बार पढ़ रहे हैं, है ना, जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनको तो बहुत अच्छी बात है, वो तो आपसे बहुत देर पहले आंसर निकाल चुके हैं इसका, है कि नहीं है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग आगे,
ये क्या है? When a wave transverses in a medium, the displacement of particle located at distance x at a time is given by y is equal to a sine bt minus cx, where a, b, c are constant of the wave. The dimension of b by c is same as that of. देखो भैया, b और c मिलते कहाँ हैं? ये साइन के अंदर मिल रहे हैं, मतलब एंगल में. और ये पूरा जो बी टी माइनस सी एक्स है उसका डायमेंशन तो जीरो होना चाहिए ना, वो तो डायमेंशन लेस होना चाहिए. क्या होना चाहिए? डायमेंशन लेस. ठीक है, तो इसका मतलब बी टी का डायमेंशन बी टी इक्वल टू सी एक्स, क्योंकि दोनों माइनस हो रहे हैं ना एक दूसरे में से. और माइनस तो केवल वो ही हो सकते हैं जिनका यूनिट सेम हो, जिनका डायमेंशन सेम हो. तो बी बाई सी क्या आ जाएगा भैया? एक्स अपॉन टी. और x तो दिया है ना, डिस्प्लेसमेंट है, और t जो है वो टाइम है. बोलो हाँ या ना. तो एल टी माइनस वन. क्लियर है बेटे? एल टी माइनस वन आप इसमें से टिक लगा लीजिए. ठीक है, एल टी माइनस वन नोट कर ले सभी लोग, और देख लीजिए ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है. नोट कर लिया. वेवलेंथ तो हो नहीं सकता भैया, क्योंकि वेवलेंथ का तो लैम्डा होता है, लैम्डा यानी एम केवल है ना. वेव फ्रीक्वेंसी भी नहीं हो सकता इस ऑप्शन का. ठीक है, वेव एम्पलीट्यूड भी नहीं हो सकता. वेव वेलोसिटी इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि देखो ना ये एल टी माइनस वन ही तो है. एल टी माइनस वन है तो वेव वेलोसिटी. ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा. और आप इसको नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेव नंबर है ना. वेव नंबर को एक्चुअली हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं बेटे. ये होता है 2 पाई बाई लैम्डा. वेव नंबर की अगर बात की जाए तो ये 2 पाई बाई लैम्डा होता है. ठीक है, और क्योंकि लैम्डा का 2 पाई का तो कुछ होता नहीं है डायमेंशन, तो इसका जो डायमेंशन आएगा वो आएगा एल माइनस वन केवल, जिसको आप एम जीरो एल माइनस वन टी जीरो लिख सकते हो. देखो ऐसा कौन सा है, एम जीरो ये है बी वाला ऑप्शन. ठीक है, क्योंकि इस पे तो सब पे जीरो है ना. इस वाले में एम माइनस वन है, और इस वाले में एल की पावर जीरो है, तो ये तीन गलत हैं, ये वाला सही है. ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा यहां पर क्या है इस क्वेश्चन को, कि द मेथड ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस कैन बी यूज टू डेराइव विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस. देखो भाई, इस पर हमने बात किया था, ये मैंने आपको लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ाया था, और लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस मैंने आपको बताया था कि एक्सपोनेंशियल आ जाएगा तो उसको भी डिराइव नहीं किया जा सकता, ट्रिग्नोमेट्रिक आ जाएगा उसको डिराइव नहीं किया जा सकता, अगर सम आ गया दोनों के बीच या माइनस आ गया उसको भी डिराइव नहीं किया जा सकता. तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा नन ऑफ दीज. इट मीन्स कि नन ऑफ दीज कैन बी डिराइव्ड बाय यूजिंग द डायमेंशनल एनालिसिस, क्योंकि ये सब क्या है, सब में कुछ ना कुछ ऐसे ट्रिक्स आ रहे हैं जो डायमेंशनल एनालिसिस से बाहर हैं. क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, पढ़िए इसको. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें से करेक्ट कौन सा है, तो पढ़िए जरा आप लोग, है ना. ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और इसका जो सेकेंड पोर्सन है इस चैप्टर का उसको करेंगे. जो कि सेकेंड चैप्टर क्या है, सेकेंड चैप्टर है हमारा कि एरर एनालिसिस है. उस एरर एनालिसिस को लेके मैं आपके साथ जुड़ता हूँ. स्क्रू गॉज वगैरह के क्वेश्चन होते हैं उनको भी लेके नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे मिलता हूँ. तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. आप यहाँ तक अच्छे से कवर अप करके रखें, और आपको डीपीपी मिलेगी, उस डीपीपी को अच्छे से सॉल्व करिए. उस डीपीपी में अगर आपका कोई डाउट होता है तो उस डाउट को भी क्लियर किया जाएगा वीडियो लेक्चर के माध्यम से. ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. अपना ढेर सारा ख्याल रखिए. मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में.